नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ जुई सिंह। बढ़ते हैं इस वक्त की खबरों की ओर। लखनऊ से खबर सामने आ रही, सीएम योगी का अधिकारियों को सख्त निर्देश। फील्ड में तैनात अधिकारियों को सीयूजी फोन दिए हैं और ये जनता के लिए है। इसे 24/7 चालू रखे, यानी कि दिन के 2400 घंटे चालू रखने के आदेश जो है सीएम ने दिए हैं। हर अधिकारी ये फोन खुद रिसीव करे। मुख्यमंत्री का साफ तौर पर अधिकारियों को निर्देश, फोन रिसीव ना कर सके तो कॉल बैक करें। तो मुख्यमंत्री ने ये भी अधिकारियों को साफ तौर पर हिदायत दी है कि अगर वो फोन रिसीव नहीं करते हैं तो फिर से कॉल बैक करें। सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं जनप्रतिनिधियों से संवाद बनाए रखें, जनप्रतिनिधियों की अपेक्षाओं समस्याओं को जरूर सुने, मेरिट के आधार पर उसका निराकरण करें। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर अधिकारियों को निर्देश दिया है और कहा मेरिट के आधार पर निराकरण की जाए, साथ ही जनप्रतिनिधियों की अपेक्षाओं और समस्याओं को जरूर सुने अधिकारी। इसी के साथ कहा कि जनप्रतिनिधियों से संवाद भी बनाए रखें और अगर फोन रिसीव नहीं कर पाते हैं तो दोबारा से कॉल बैक करें। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को साफ तौर पर दिशा निर्देश दिए हैं, आदेश दिए हैं और साफ तौर पर कहा है कि जनता के लिए फोन 2400 घंटे चालू रखी जाए और अधिकारियों को साफ तौर पर हिदायत भी दी है कि अगर फोन रिसीव नहीं कर पाते हैं तो कॉल बैक कर ले, जनप्रतिनिधियों से संवाद भी लगातार बनाए रखें और उनकी समस्याओं को भी लगातार सुने और उसे दूर करने की कोशिश की जाए। इसके साथ मेरिट के आधार पर निराकरण करने के आदेश भी मुख्यमंत्री ने दिए हैं। तो मेरिट के आधार पर उसका निराकरण करें, ऐसा जो है सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है और अधिकारियों को साफ तौर पर जो है निर्देश उन्होंने दिए हैं। कहा फोन अगर इसे नहीं कर पाते हैं तो कॉल बैक करें और उनसे बातचीत करें, जनप्रतिनिधियों की समस्याओं को सुने और फील्ड में तैनात अधिकारियों को सीयूजी फोन दिए गए हैं। और इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा है। तो लखनऊ से ये जानकारी सामने आ रही है कि ये जनता के लिए फोन है और इसे 2400 घंटे चालू रखा जाए। हर अधिकारी ये फोन खुद रिसीव करे, अगर फोन नहीं कर पाते हैं रिसीव तो दोबारा से कॉल बैक करे और उनकी समस्याओं को सुने। और वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय बैठक की। इस बैठक में सीएम योगी ने कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। इस बैठक में सीएम योगी ने निर्णय लिया कि खुर्जा, बुलंदशहर और मुरादाबाद विकास प्राधिकरणों को मिलाकर एक नया प्राधिकरण बनाया जाएगा। जीआईसी आधारित महायोजन 2031 के प्रस्तुतिकरण का सीएम योगी ने अवलोकन किया और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। साथ ही इस बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को कुछ दिशा निर्देश भी दिए। राहुल गांधी को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्रों के अनुसार यूपी की रायबरेली और केरल की वायनाड लोकसभा सीट से जीत दर्ज करने वाले राहुल गांधी अपने पास रायबरेली सीट ही रखेंगे, वह केरल की वायनाड सीट छोड़ देंगे। वहीं दूसरी ओर अटकलें लगाई जा रही कि प्रियंका गांधी वायनाड सीट से चुनाव लड़ सकती है, लेकिन अब तक वह वायनाड जाने के लिए इच्छुक नहीं है। राहुल गांधी को लेकर इस तरह से जो है खबरें लगातार आ रही है। और अब अगर बात करें तो राहुल गांधी यदि 14 दिनों के अंदर वायनाड या रायबरेली में से कोई एक सीट नहीं छोड़ते हैं तो फिर क्या होगा? अगर ऐसा नहीं हुआ तो राहुल गांधी को अपनी संसद की सदस्यता गंवानी पड़ सकती है। आइए जानते हैं इस बारे में क्या कुछ है पूरा नियम। तो 1563 छात्रों का स्कोर रद्द किया गया है और ये छात्रों को लेकर जो ये जानकारी सामने आ रही है। और
और वहीं ग्रेस मार्क्स देने वाले 1563 छात्रों के स्कोर कार्ड भी रद्द किए गए और अब इन छात्रों को दोबारा परीक्षा देनी होगी। तो 23 जून को दोबारा परीक्षा होगी और दोबारा परीक्षा का रिजल्ट 30 जून तक आएगा। एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, हम ग्रेस मार्क्स हटा रहे हैं, हालांकि नीट काउंसलिंग पर रोक नहीं है। एनटीए ने ग्रेस मार्क्स देने वाले छात्रों की दोबारा परीक्षा लेने का फैसला तो कर लिया, लेकिन अभी भी कई सवाल है जो छात्रों को परेशान कर रहे हैं। तो नीट की परीक्षा में धांधली को लेकर ये जानकारी सामने आई है और अब ग्रेस मार्क्स जो है जिन छात्रों को मिली है उनकी परीक्षा दोबारा कराई जाएगी। एग्जाम तो ठीक से ही हुए थे, नीट ने कुछ बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए, कुछ एग्जामिनेशन लेट होने के कारण से या ठीक ढंग से टाइमिंग के लेकर एग्जाम से टाइम को लेकर, इसलिए मूलतः एग्जामिनेशन में दिक्कत नहीं है। मंत्री ने भी कहा है कि सभी बच्चों को इंसाफ मिलेगा और कहीं कोई पेपर लीक की खबर नहीं है। बिल्कुल सही बात कहा उन्होंने कि कहीं पेपर लीक की खबर नहीं है, ये बिना बात के हवा उड़ाई जा रही कि पेपर लीक हो गया, पहली बात। और दूसरी बात ये कि जो ग्रेस मार्क वाला इश्यू है उसकी चिंता नीट कर रही है। द कांग्रेस पार्टी बिलीव्स दैट द बीजेपी गवर्नमेंट्स एटीट्यूड towards the ongoing demand for an inquiry into the NEET exam is irresponsible and insensitive. We demand a Supreme Court monitored investigation into this entire scandal which has affected अराउंड 24 लाख स्टूडेंट्स। नीट को लेके एक फैसला आज सुप्रीम कोर्ट की स्तर से आई है। नीट में इस बार 24 लाख बच्चे परीक्षा दिए थे, कट ऑफ डेट में लगभग 13 लाख विद्यार्थी एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किए, 4,500 सरीके सेंटर नीट एग्जामिनेशन के लिए देश भर में होती है। राजेश जी आप थोड़ा क्वाइट रहिए। साढ़े चार हजार सेंटर देश भर में होती है, अनेक देशों में भी नीट की सेंटर होती है, खाड़ी की देशों में होती है, पड़ोस की देशों में होती है और 13 भाषा में एग्जामिनेशन होता है। दुर्भाग्य से इस बार नीट की 2 क्वेश्चन शीट्स होता है, गलती ना हो जाए इसीलिए चुनाव एग्जामिनेशन के दिन ही सूचित किया जाता है क्वेश्चन शीट ए या बी को यूज किया जाएगा, आइदर ऑफ द वन। इस बार जब परीक्षा हुआ गलती से आउट ऑफ 4,500 सेंटर 6 सेंटर में गलती से गलत सेट्स ऑफ क्वेश्चन आ गई। जब परीक्षा चल पड़ी कुछ समय के बाद उसको संज्ञान में लिया गया और उसको विड्रॉ करके फिर सही प्रश्न पत्र दिया गया, उसमें कुछ टाइम लॉस हुई। उन 6 सेंटर में लगभग 1563 स्टूडेंट उसमें परीक्षा दे रहे थे, उनके मन में आया कि भाई ये हमारी साथ थोड़ा अन्याय हुई है, हमारी टाइम लॉस हुई है, हमारे लिए कुछ सोचनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की एक स्टैंडिंग ऑर्डर है, इस प्रकार के कहीं एंट्रेंस में कुछ विषय आती है तो री एंट्रेंस ना कराते हुए एक एवरेज मार्किंग ग्रेस मार्किंग की मेथड पे उनको कंपनसेट किया जा सकता है, ऐसे एक सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर है क्लैट की स्टूडेंट्स की क्लैट के एग्जामिनेशन के माध्यम से। एनटीए ने उसको अप्लाई किया, एक एक्सपर्ट कमिटी बिठाई, उसमें से कुछ रिकमेंडेशन आई और उसको उन्होंने अप्लाई किया। उसके बाद देखा गया कि कुछ विद्यार्थियों की नंबर 100% हो गई, उनकी जो एवरेजिंग किया गया, उनको जो ग्रेस मार्क दिया गया
उसमें कुछ विद्यार्थियों के नंबर 100% हो गए। इसमें भी फिर कुछ लोग कोर्ट पे गए, पहले कुछ लोग कोर्ट पे गए थे कि हमारी टाइम लॉस हुई, कोर्ट ने ऑर्डर दिया तो एनटीए को उसमें एक किस ग्रेस मार्किंग की प्रैक्टिस को अपनाना पड़ा, पद्धति को अपनाना पड़ा। फिर जब ग्रेस मार्किंग में कुछ विद्यार्थियों की नंबर 100% हो गई तब फिर कुछ लोग कोर्ट पे गए। उस बीच में एनटीए ने फिर एक एक्सपर्ट कमेटी बिठाई, एकेडमिक्स कमेटी बिठाई, उन्होंने कुछ सोच समझ किया और कोर्ट ने आज उस कमेटी के ऑब्जर्वेशन को देखते हुए आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है उन 1563 स्टूडेंट्स को री एग्जामिनेशन का अपॉर्चुनिटी दिया जाए। 23 जून को 1563 स्टूडेंट को दोबारा नीट एग्जामिनेशन का ऑप्शन उनके सामने दिया जाएगा, वो परीक्षा दे सकते हैं, नहीं तो जो उनको ओरिजिनल परीक्षा की जो नंबर है उनको जो उनको वो परीक्षा उसको भी ऑप्ट कर सकते हैं, नहीं तो अगर उनको उसमें ना देके और एक चांस लेना है तो वो 23 जून को एक बार परीक्षा भी दे सकते जो चाहेगा। ये आज सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत स्पष्टता के साथ ऑर्डर आई है, उसको मैं स्वागत भी करता हूं। शायद उसके बाद नीट को लेके जो एक संशय और शंका जो संशय और जो शंका सामने आई थी वो आज समाप्त हो रही है। एनटीए ने खुद माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने माना कि जो उन्होंने ग्रेस नंबर दिए थे उससे बच्चों में डिससेटिस्फेक्शन हुआ, बच्चे प्रोटेस्ट पे आए और कहीं ना कहीं उन्होंने माना कि पहले कभी ऐसा नहीं है, पहली बार किया है, तो उन्होंने माना कि इसको हम हटा देते हैं ग्रेस नंबर को। हमारी 7 दिन से ये लड़ाई चल रही थी कि पहली बार आपने कैसे ग्रेस नंबर दे दिए, किस बेसिस पे आपने सोच लिया, बिना किसी को इन्फॉर्म किए, और आपने जब रिजल्ट आया तो बताया नहीं, अब इससे मेरी प्रॉब्लम क्या क्या है। और उन्होंने जज एनटीए ने ये बोला है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी एग्री किया है कि जिन बच्चों को ग्रेस नंबर मिले थे 1563 उन बच्चों का या तो री एग्जाम हो जाए, जो कि इन्होंने डेट दे दी है कि अप्रोक्सीमेटली 23 जून को, या तो वो बच्चे अपने बिना ग्रेस के जो नंबर हैं उस पे हैप्पी हो जाए, यानी उनका ग्रेस नंबर काट दिया जाएगा, ठीक है। अब री एग्जाम हो उन बच्चों का जो देना चाहते हैं 1563 में से, और जो नहीं चाहते हैं उनका ओरिजिनल स्कोर रहेगा, फिर रैंक पूरी शफल हो, उसके बेसिस पे काउंसलिंग हो। पर इसमें मेरे कुछ पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट्स हैं मेरे। सबसे पहला पॉइंट ये है कि आज एनटीए 7-8 दिन बाद आके माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने खुद एग्री करता है कि ग्रेस वाला जो पूरा हमने जो किया है ये गलत है, इसको हटा देते हैं, कहीं ना कहीं एग्री किया। सवाल ये उठता है ग्रेस देके क्या उन्होंने खुद बताया था? नहीं बताया था। जब हमने 719 स्कोर पकड़ा, 720 तब बताना। तो क्या एनटीए और भी ऐसे बहुत चीजें करता है जो हमें पता नहीं चलती? क्या और डिस्परेंसीज है जो एक बार हमें अंदर घुस के देखनी चाहिए? ये तो पकड़ा गया 719 720 से, क्या ऐसे और भी मामले हो सकते हैं? तो कहीं ना कहीं ट्रस्ट का इश्यू है। दूसरा बात, उन्हीं बच्चों को ग्रेस मिला था और उन्हीं को री एग्जाम की अपॉर्चुनिटी मिल रही है जो माननीय हाईकोर्ट पहुंचे थे एग्जाम के बाद कि उनका समय का नुकसान हुआ है। बहुत सारा बच्चा माननीय हाईकोर्ट नहीं गया क्योंकि किसी को नहीं पता कि बाद में ग्रेस नंबर मिलते हैं, पहले कभी नहीं हुआ। और 18 साल के बच्चे को नहीं पता है कि मुझे पेपर लिखने के बाद अब हाईकोर्ट जाना होता है, तो मुझे लगता है यहाँ पर राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन है। तीसरी बात, पेपर लीक का जो मुद्दा है वो ओपन है, उस पर सुनवाई होती रहेगी। और आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में जजेस ने खुद बोला कि मान लेते हैं काउंसलिंग हो गई, मान लेते हैं एडमिशन भी हो गया और तब कुछ प्रूफ होता है, तो वी हैव ऑल द पार्ट्स। उन्हें भारतीय सेना जवानों की भर्ती अग्निपथ स्कीम के जरिए करती है, लेकिन लोकसभा चुनाव में विपक्ष ने अग्निवीर योजना के मुद्दे को जोर शोर के साथ जनता के बीच उठाया। इतना ही नहीं, जब बीजेपी की सरकार बनी तो उनके सहयोगी दल ने भी अग्निपथ स्कीम में बदलाव की मांग की। वहीं जिस दिन इस स्कीम को लागू किया गया था तब से यह बात भी रक्षा मंत्रालय की तरफ से कही गई थी कि समय समय पर इसको रिव्यू किया जाएगा और अगर कोई परिवर्तन करना हो तो उसे भी किया जाएगा। अग्निवीर स्कीम में कई सारे बदलाव किए जा सकते हैं, ऐसा शुरू में ही रक्षा मंत्रालय की ओर से कहा गया था। और रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। और ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते एक बार फिर से खबरों की ओर। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी का बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि आज दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में वह सारी जानकारी दे दी है जो वह इस साल राष्ट्रीय राजधानी में पानी की बर्बादी को कम करने और कुशल जल वितरण के लिए कर रही है, और यह भी जानकारी दी कि इस जल संकट के बीच हम क्या कदम उठा रहे हैं। दिल्ली पानी
को वेस्ट होने से रोकने के लिए, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए क्या क्या कदम उठा रही है। तो आज सुप्रीम कोर्ट के सामने दिल्ली सरकार ने डिटेल में वो कदम बताए जो हम पिछले एक साल से ले रहे हैं और जो हम पिछले एक महीने से इस पानी के क्राइसिस के दौरान ले रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार ने बताया कि जो पानी हरियाणा से आता है उसमें ट्रांसमिशन लॉसेस पहले 30% हुआ करते थे, जो रॉ वाटर यमुना नदी, रवि और ब्यास से होते हुए वजीराबाद हैदरपुर आता था नदी के थ्रू और एक अनलाइंड दिल्ली सब ब्रांच के थ्रू, तो 30% ट्रांसमिशन लॉसेस हुआ करते थे। लेकिन दिल्ली जल बोर्ड ने 500 करोड़ रुपए के खर्चे के साथ जो सीएलसी है करियर लाइन चैनल को बनवाया और उस ट्रांसमिशन लॉस को 30% से घटाकर 5% कर दिया। जो दूसरा महत्वपूर्ण कदम दिल्ली सरकार ने उठाया है लीकेज और वेस्टेज रोकने के लिए, पिछले 9 साल में 3,500 किलोमीटर लीक करती हुई पानी की पाइपलाइंस को रिप्लेस किया गया है। ना सिर्फ इतना, 7,300 किलोमीटर पाइपलाइन डाली गई है, जो इसलिए महत्वपूर्ण है कि जिन इलाकों में पानी की पाइपलाइन नहीं पहुंचती थी वो मेन पानी की डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस की इलीगल टैपिंग कर करके पानी की चोरी किया करते थे। हमने 7,300 किलोमीटर पानी की पाइपलाइन डाली है जिससे अनऑथराइज कॉलोनीज में, झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर्स में अब एक डिग्निफाइड तरीके से पानी पहुंचता है। ना सिर्फ इतना, पूरी दिल्ली में पानी के फ्लो को मेजर करने के लिए एक बहुत बड़े स्तर पर 3,285 बल्क फ्लोमीटर्स लगाए। वही केंद्रीय मंत्री सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्री बनने के बाद अजय टमटा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता ने, इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा आइए सुनाते हैं। मौजूद हैं केंद्रीय सड़क व परिवहन राज्य मंत्री अजय टमटा जी। सर, बड़ी जिम्मेदारी आपको दी गई है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे इस महत्वपूर्ण विभाग में काम करने का अवसर दिया है। अभी मैं पिछले 2-3 दिन से आदरणीय नितिन गडकरी जी के साथ भी हमने एक बैठक की, आपस में भी हमने अधिकारी कर्मचारियों के साथ अलग से भी बैठना हुआ है और पूरे देश भर के हमारे रोड नेटवर्क को, जो हमारे एनएच के हैं, एनएचआईडीसीएल के हैं, हमारी बीआरओ के हैं और जो स्टेट सेक्टर की भी रोड हैं उसको भी हमने काफ़ी जानकारियाँ ली हैं और जिस प्रकार से ऐतिहासिक काम पिछले 10 सालों के अंदर हुए और वो अपने आप में एक विशेष प्रकार का इतिहास बन रहा है। अब चूंकि मुझे जिम्मेदारी दी तो मैं इतना कह सकता हूँ जितना मैं समझ पाया हूँ कि इसमें मुझे भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जगह जगह काम रोड्स के अलग अलग स्टेट के अंदर कई रोड हैं तो इनको देखते हुए हम और क्या मेहनत करके इसमें और अपना भी योगदान दे करके माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन को, माननीय नितिन गडकरी जी के पिछले 10 साल के कालखंड में जितने काम हुआ उसको हम भी पूरे तरीके से, मैं भी अपने तरीके से पूरी ताकत दूंगा और खूब मेहनत करके इसको और अच्छे से काम हो इस पर ज़्यादा जोर दिया जाएगा। सर, अगले 100 दिन का क्या विजन रहेगा? क्योंकि अभी 2 दिन हुआ है, कल भी हम बैठने वाले हैं, फिर माननीय मंत्री जी के साथ बैठ करके आने वाले समय के लिए क्या हम काम करने वाले हैं उस पर हम और चर्चा करेंगे और कुल मिला करके जिस प्रकार से विकसित भारत का जो संकल्प है 2047 तक का माननीय प्रधानमंत्री जी का, उस दिशा में हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर खासतौर पर रोड का कैसा रहेगा उस दिशा में हम बातचीत करेंगे, देखेंगे क्या होना है। और मैं समझता हूँ कि अभी तो विजन यही है कि हम अगले सत्र में, अगले सालों में जो काम हमारे चल रहे हैं उनको जल्दी से तेज गति में आगे बढ़ाएं, वही हमारा लक्ष्य रहेगा। सर, आप उत्तराखंड से आते हैं, बड़ी जिम्मेदारी है, जनता ने आपको चुनके भेजा है, उत्तराखंड के लिए क्या करेंगे आप? उत्तराखंड के लिए मैं तो बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय नितिन गडकरी जी का। जैसे कि आप जानते हैं कि ऑल वेदर ने पूरे उत्तराखंड का
चित्रण बदल दिया है। हमारी कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी को जो बेहतर बनाने का काम किया है, तो आज हमारे चार धाम है, वहाँ हमारे तीर्थयात्री जो है ऐतिहासिक रूप से जितना तीर्थयात्री आ रहे हैं वो अपने आप में इतिहास बन रहा है। और वहीं मेरा भी कॉन्स्टिट्यूंसी, क्योंकि कुमाऊं और गढ़वाल मिला के है, तो मेरे आदि कैलाश में स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी आए, जोलिंगकोंग आए, वहाँ तक हमको रोड दी, और अंतिम गांव गुंजी में स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हुआ और वहाँ तक हमको सड़क देना, और वाइब्रेंट विलेज के साथ साथ अंतिम गांव को भी पहला गांव देश का घोषित करके, और उसके डेवलपमेंट के लिए जो वाइब्रेंट विलेज जितने भी बॉर्डर एरिया के गाँव हैं उसको माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक ताकत दी गई, और जो रिवर्स प्लान हमारा, वहाँ पर हमारे होम स्टे बन रहे हैं, जो पहले 1500-1600 लोग आते होंगे आदि कैलाश के दर्शन करने जो पैदल आते थे, आज रोज जो है 2000 की संख्या के लोग लगभग आ रहे हैं। तो इसका मतलब जो आदि कैलाश के लिए, कैलाश मानसरोवर ओम पर्वत के लिए, गुंजी के लिए, कुट्टी के लिए, ऐसे ही हमारे नए डेस्टिनेशन के रूप में, नए तीर्थयात्री के तीर्थ स्थान के रूप में एक नई पहचान सबकी अप्रोचेबल रही है, जिससे एक बहुत बड़ा इतिहास बन रहा है। सर, चार धाम यात्रा बड़ा चैलेंज है और सरकार भी काम कर रही है, लेकिन राफ्टिंग व अन्य कारणों से सर जाम की समस्या रहती है, तो चौड़ीकरण का सबसे बड़ा मुद्दा है और आप अब ये मंत्रालय भी आपको दिया है। जी जी जी, ये मंत्रालय भी दिया है, तो इसको हर तरीके से हम बेहतर बनाएंगे, जो टूरिज्म के सेक्टर में है और बाकी जो आपने जो आपने अब शंकाएं व्यक्त किया, मैं इन सब पर हम लोग ध्यान देते हुए आगे इस पर अधिक मजबूती के साथ काम करते हुए, मेरा भी लक्ष्य वही है कि हम उत्तराखंड के विकास के साथ साथ पूरे देश के विकास में भी रोड मार्गों के माध्यम से अच्छे काम करें, कनेक्टिविटी अच्छी हो। और पिछले 10 सालों के अंदर हमने उत्तराखंड राज्य के अंदर और मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर भी जहाँ रोड नेटवर्क की कनेक्टिविटी अच्छी बेहतर हुई है, तो वहाँ हमारी रेल नेटवर्क की कनेक्टिविटी हुई है। हमारे ऋषिकेश से कर्णप्रयाग का लगभग काम हमारा पूरा होने वाला है, ऐसे हमारे रामनगर से चौकुटिया गैरसैंण का टेंटेटिव सर्वे हो गया है, बागेश्वर और टनकपुर का हो रहा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि आज बेहतर रोड, अच्छी रेल मार्ग, एयर कनेक्टिविटी भी है हमारी पिथौरागढ़ से, हमारे जो हमारा जौलीग्रांट हवाई अड्डा है वहाँ से पहले कम फ्लाइट्स थी, आज 28-29 फ्लाइटें हमारी चल रही हैं। तो उत्तराखंड अपने आप में एक अलग राज्य के रूप में उभर रहा है, और उसमें जहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी का सबसे योगदान है, और उसी प्रकार से मेहनत करके हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी भी काम कर रहे हैं, स्वयं मेरे पास भी अभी जिम्मेदारी, तो हम और ताकत के साथ काम करेंगे। धन्यवाद। तो आपने साफ तौर पर देखा, ये थे हमारे साथ केंद्रीय सड़क व परिवहन राज्य मंत्री अजय टमटा जी, जिन्होंने बड़ी ही बेबाकी से हमसे बातचीत की है। कैमरामैन सुशील बहल के साथ सादिक खान, इंडिया वॉयस, दिल्ली। और दिल्ली के वरिष्ठ नेता और यूपी के पूर्व मंत्री पंडित सुनील भड़ाला ने ओवैसी पर पलटवार करते हुए बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ओवैसी की तरफ से जो मुसलमानों पर अत्याचार करने का जो आरोप लगाया जा रहा है वो पूरे तरीके से भ्रामक है। ओवैसी भ्रामक प्रचार करके इस देश की अस्मिता पर खतरा पैदा करने का षड्यंत्र रच रहे हैं, तो मुसलमानों में ओवैसी भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। IMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के द्वारा जो मुसलमानों पर अत्याचार कहने की बात करते हैं वो पूरी तरीके से भ्रामक है, और भ्रामक प्रचार करके इस देश की अस्मिता पर खतरा पैदा करने का काम करने का षड्यंत्र रच रहे हैं। कोई घटना जिस प्रकार से कि अवैध निर्माण या कोई आकस्मिक मृत्यु को मुसलमानों को और मौलानाओं से जोड़ करके मुसलमानों में ये भ्रम फैलाने का काम करते हैं, ऐसे जो देश की जो अस्मिता पर खतरा है, ऐसे उसुद्दीन ओवैसी के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। और फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।